हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मोटिवेशन कोच में। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा दूसरों के मन की बात कैसे जाने। तो चलिए जानते हैं कैसे। जब हम किसी से मिलते हैं या बातचीत करते हैं तो हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला आपसे सच बोल रहा है या झूठ। आइए पढ़ते हैं 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिससे आपको सामने वाले के दिमाग को पढ़ने में मदद मिलेगी। हम रोजाना कई लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम ये पता नहीं लगा पाते कि जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो क्या सोच रहा है या वो आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। हम आपको ऐसी 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जो आपको ये जानने में मदद करेंगी कि सामने वाला आपसे बातचीत के दौरान क्या सोच रहा है या सामने वाले को आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी है या नहीं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। नंबर 1, उनके अपीयरेंस पर ध्यान दें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्यों मिल रहा है या आपसे किस बारे में बात करना चाहता है तो आपको उसके कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने किस तरह के कपड़े पहने हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति फॉर्मल कपड़ों में आया है तो मुमकिन है कि वो आपसे किसी गंभीर विषय पर बात करे। वहीं अगर सामने वाले व्यक्ति ने कैजुअल या स्टाइलिश कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ रिलैक्सेड है और एक फ्रेंडली मीट के लिए मिल रहा है। नंबर 2, दूसरे के बॉडी पोस्चर को पढ़ने की कोशिश करें। जब आप किसी से मिले तो उसके बॉडी पोस्चर को मिलने की कोशिश करें। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और वो व्यक्ति आपकी तरफ हल्का झुक कर खड़ा या बैठा है, इसका मतलब है कि वो आपकी कंपनी पसंद कर रहा है। वहीं अगर कोई व्यक्ति आपसे उल्टी दिशा में झुक कर खड़ा या बैठा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी कंपनी को ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो आप उसकी तरफ झुकते हैं और जब आपको कोई चीज पसंद नहीं होती आप उससे दूर होते हैं। नंबर 3, उनके आंखों पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात करें तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपसे बात करने वाला व्यक्ति आपसे आंखों में देखकर बात नहीं कर रहा तो मुमकिन है कि वो आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो या हो सकता है कि उन्हें आपसे बात करने में शर्म आ रही हो। अगर किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं और बातचीत के दौरान वो व्यक्ति आपसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और साथ ही हल्का मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करने में दिलचस्पी ले रहा है। नंबर 4, बातचीत के दौरान उनके हाथों के एक्शन पर ध्यान दें। अगर आपसे बात करने वाला व्यक्ति बातचीत के समय अपनी हथेलियों को छिपाकर खड़ा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ झूठ बोल रहा है या छिपा रहा है। अगर किसी के हाथ उसके चिन के नीचे है तो मुमकिन है कि सामने वाले के दिमाग में कोई सवाल चल रहा है और वो किसी निर्णय लेने को लेकर कुछ सोच रहा है। नंबर 5, उनके पैरों पर ध्यान दें। अगर आप किसी से बैठकर बातचीत कर रहे हैं और सामने वाले के पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं तो मुमकिन है कि वो उस बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है। आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। यदि दोनों ही लगातार बोलते रहें तो दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरे का मन सुनाई देने लगेगा। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और उस व्यक्ति की आंखें ऊपरी बाईं ओर जाती हैं तो इसका अर्थ है कि आप जो कह रहे हैं वो उसकी कल्पना कर रहा है। यदि आप किसी को उनकी स्मृति में खुदाई करने के लिए कहते हैं तो वे एपिसोड या उस निश्चित बारीकियों की कल्पना का रहते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो उनकी आंखें दाईं ओर मुड़ जाती हैं, लेकिन ऊपर की ओर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्यों मिल रहा है या आपसे किस बारे में बात करना चाहता है तो आपको उसके कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने किस तरह के कपड़े पहने हैं। आप कई तरीकों से किसी के मन को उसके जाने बिना नियंत्रित कर सकते हैं। आप उल्टे मनोविज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, उनकी धारणा को ढाल सकते हैं, उनके खिलाफ उनकी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें गैसलाइट कर सकते हैं या धमकियों या हिंसा से उन पर हावी हो सकते हैं। ये हैं वे 5 उपाय जो आपके मन का भटकाव रोक आपको अधिक फोकस्ड बना सकते हैं। नंबर 1, विचारों से दूर न भागे। अच्छे हों या बुरे, विचार सबके मन में आते हैं। नंबर 2, व्यायाम करने की कोशिश करें। नंबर 3, अपने आप को व्यस्त रखें। नंबर 4, जर्नलिंग करना शुरू करें। नंबर 5, ध्यान लगाने की कोशिश करें। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने।